आगे देखते हैं पेज नंबर 98 पे, डिस्कस योर एक्सपीरियंस। तो पेज नंबर 97 पे आपने क्या देखा था, दो फ्रेंड है, उसमें एक फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, दूसरे के हार्ट बीट सुन रहा है, वो उसके लेफ्ट साइड पे रह के उसके हार्ट बीट सुन रहा है। वहाँ से हमें हमारा एक्सपीरियंस लिखना है ऑब्जर्व करके। आई प्लेस माई ईयर, यहाँ पे आपको लिखना है आई प्लेस माई ईयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई फ्रेंड्स चेस्ट। I was able to hear the love, dub sound coming from his chest. I counted. It was 72 beats in a minute. तो उसने क्या किया था कि उसके लेफ्ट साइड पे फ्रेंड की चेस्ट की लेफ्ट साइड पे उसने अपने कान रखे और वो सुन रहा था। I was able to hear the love, dub sound coming from his chest. तो उस टाइम मुझे लब डब की जो साउंड थी उसके चेस्ट की वो सुनाई दे रही थी। आई काउंटेड इट वॉज 72 बिट्स इन अ मिनट। तो एक मिनट में कितने होते थे काउंट, 72। प्रोजेक्ट दिया है राइट नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, दो फ्रेंड्स के नाम लिखने, काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन अ वन मिनट, तो वन मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं वो आपको काउंट करना है। राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स, तो हार्ट बीट के काउंट भी लिखने हैं। आस्क फ्रेंड टू रन, नाउ नोट डाउन द बीट्स, क्या करने हैं पहले तो बीट को आपको सुनना है, उसके बाद उसको काउंट करने हैं आपको। नंबर्स ऑफ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हम तीन फ्रेंड्स के नाम लिख रहे हैं, दो की ये अलग लिखे हैं ना, लेकिन यहाँ पे चार्ट में कितने हैं, टेबल में तीन कॉलम है, तो यहाँ पे हम तीन फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे। और जब नॉर्मल कंडीशन होती है उस टाइम उनके हार्ट बीट कितने होते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आफ्टर रन, रन करने के बाद हार्ट बीट्स कितने होते हैं वो लिखने हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, सुदीप है, मीत है, क्रुणाल है या फिर रोहन लिखेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में उसके जो हार्ट बीट होते हैं वो यहाँ पे 72 होते हैं, किसी के 71 या 70 होते हैं, अगेन 72 और 71 लिखेंगे हम। अब रन करने के बाद कितने लिखेंगे जो बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट्स क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप भी रन करके आते हैं तो आप भी फील करोगे लेफ्ट साइड पे जो लब डब की आवाज़ होती है वो कैसी होती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स जो हार्ट बीट होते हैं उसके काउंट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 85, 83 और 87। आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में कितने हार्ट बीट्स होते हैं, रन करने के बाद आपके जो दो तीन फ्रेंड्स है उनके हार्ट बीट की जो क्या नंबर्स होती है, मतलब कितने हार्ट बीट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखना है। ये क्या बताता है कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, बैठे हुए होते हैं, तब तो जो हार्ट बीट होते हैं वो 71 या 72 रहते हैं, लेकिन जब रन करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, है ना, जिससे हमारे बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उस टाइम जो हार्ट बीट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि हार्ट बीट्स रन करने के बाद क्या होता है, रन करने से बॉडी हमारा वार्म अप हो जाता है, इसलिए जो हार्ट है वो लब डब ज़्यादा वर्क करके वो क्या करता है, हर जगह पे ज़्यादा वर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए जो हार्ट बीट होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल कंडीशन में और रन करने के बाद जो हार्ट बीट से उसके यहाँ पे नंबर मेंशन करने हैं।